भारत में वैक्सीन की हिचकिचाहट को लेकर के एक व्यापक मुद्दा बन गया है, जिसके कारण अफवाहों ने अपना सर ऊंचा कर लिया है। जवान लोग लगवावत हमें मल्ला 18 साल या 20-22 साल वाले, तो ये कहा कि इनकी बच्चा ना हुई। का आप डरा थे? हाँ, अपने आदमी से। का है आदमी डरा थे? जिसे आदमी कही है कि हम ना कहा थे तो अपने जबरदस्ती जाए को सुई लगवावे। हाँ। अब कोनो बात पड़ जाए तो के हो। अच्छा, तब आप ना लगवा थे? ना, वही खातिर ना लगवा थे। डर के माले सब डराए गए। ये है का कथो डराएल है सब? ये मनु आगे चल के लड़का बच्चा ना हुई है लड़कन के, आ धरती पे क्या होना रही। जनपद आजमगढ़ ब्लॉक अतरौलिया में कोविड-19 को लेकर के बहुत सारी अफवाहें फैली थी। लोगों का कहना था कि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे और हमें बच्चा नहीं पैदा होंगे। बहुत सारा मन में भ्रम था कि बीमार हो जा रहे हैं लोग वैक्सीनेशन करवाने से। तो हमने 10 गांव में जान जाओ जान बचाओ कार्यक्रम किया, लोगों को जागरूक किया पंपलेट बांट करके। अब लोग वैक्सीनेशन करवा लिए हैं, अब लोगों के मन में जागरूकता फैल गई है। लोग मन में अब किसी के मन में डर नहीं है, अब लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। आपकी रीमा यह समझौनी कि सब लोग सुई लगवा लिया। हाँ, कौनो डर भी ना है, कौनो उठवा ना है, अच्छी सुई लगत है, बढ़िया हर चीज के लिए लगत है। खर्चा बटनी समझौनी तो सब लगवा ले रहे लगवा ले, डर सबकी जान बचावे जान कह के सब आपसे कही नहीं वैक्सीन लगवा डाले। अच्छा, पहले तो बहुत लोग डरते थे, लेकिन जब से रीमा दीदी आई यहाँ पर जागरूक की कि जान जाओ जान बचाओ पे कॉलर रीमा दीदी आई तो बताए हम सबको जागरूक की, तो हम सब बहुत पहले डरते थे इंजेक्शन लेने से। सब ये बताते थे कि आओ जो इंजेक्शन लेगा वो ऐसे बीमारी हो जाएगी या कोई और दुर्घटना हो सकती है, बच्चे नहीं पैदा होंगे, हमेशा वो बीमार रहेंगे, बहुत चीज़ की बातें उठती थी। लेकिन रीमा दीदी आई ऐसा काल सबको जागरूक की, सब लोग उसकी बात से सहमत हुए, सब जागरूक हो गए, जाके इंजेक्शन लगवाने लगे। अच्छा, वैक्सीन आपके लग गई? हाँ, पहले वैक्सीन लगवा ले ली दोनों कोर्स में। पहले डरात हाली सब डरात रहा तो ना लगवा सब। अब का करें? जब रीमा आई नी माइक में ऑटो रिक्शा लेके तो वही माइक वही लगा के एक पर्चा डाल सब घर का मन पढ़ना वही हिसाब पढ़ के तब अपन सब लगवा ले। अच्छा, हाँ, अब कौनो डर ना है? अब कौन डर बा, जब लग गए तब कौन डर। पहले बहुत सब डराते रहे? हाँ, पहले सब बहुत डराए। काओ का है? सब कहा कि अरे ठंडा रही है और लड़का ना हो बीमारी बन जाई, ये कुल होत रहा तब सब डरात रहा। कैसे सब जागरूक भे? रीमा वाले यही नहीं तो पर्चा दहनी पर्चा सब पढ़ के सुन ले तब लगवा सब। अच्छा, कि हम लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन हम और रीमा दीदी ने बहुत प्रयास किया, जान जाओ जान बचाओ के कार्यक्रम रीमा दीदी ने चलाया और समझाया, बहुत से लोगों ने अब वैक्सीन लगवा लिया है और रीमा दीदी का और धन्यवाद। और मैं सभी ग्रामवासियों को भी धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे समझाने से और दीदी के समझाने से समझ गए और वैक्सीन लगाने में जागरूक हो गए। बहुत से लोग हमारे क्षेत्र में लग चुकी है बहुत वैक्सीन, बहुत 2-4 लोग 10 लोग बाकी होंगे 500 आबादी में, और हमारे साथ उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया समझाने के लिए, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश इंडिया अनहट के लिए।